मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त द विंडो पर मेरे साथ हमारे स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। ये 1999 के आखिरी दिन की शाम थी। 1999 100 बरस की बुजुर्ग सदी आज रात 12 बजे मिलेनियम वर्ष की तरफ इतिहास के बोझ से झुकी हुई कमर लेकर चल पड़ी। 1999 को पता था कि 12:01 पर उसके मानवीकरण के इस अंश से 1-2 होने वाला था और बाकी बचे हुए 9 अंक अब 0 होने वाले थे। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पास एक बड़ी खबर आई थी, शायद 1999 की आखिरी शाम ये सोचकर आई थी कि वो खुद को इतनी मामूली तारीख बनकर खत्म नहीं होने देगी, इतिहास में उसकी जगह होनी चाहिए। सेना में रह चुका भारतीय सेना का एक मेजर जो इस वक्त देश का विदेश मंत्री था, परेशान था और गुस्से में चहलकदमी कर रहा था। वो देश में घटी इस बड़ी घटना से उस वक्त अनमनासा हो गया था। नाम था जसवंत सिंह जसोल। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल को अंदाजा नहीं था कि उनकी ये शाम कंधार जाने वाली एक फ्लाइट में बीतने वाली है, लेकिन ये कोई मामूली उड़ान नहीं थी। इस फ्लाइट में विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ कुछ आतंकवादी भी सफर कर रहे थे, जिन्हें जसवंत कुछ घंटे पहले ही भारतीय जेलों से रिहा करवा कर लाए थे। ये 8 दिन पहले घटी घटना का परिणाम था। आज से 8 दिन पहले ही भारत के 160 नागरिकों को सफर पर ले जा रही फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया था और उनके बदले आतंकियों की रिहाई का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा गया था और अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पर भरे मन से जसवंत सिंह को ये विदेश मंत्री की हैसियत से सब करना पड़ रहा था। जसवंत के अंदर का सैनिक इस बात से आहत था, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि IC-814 में अपने एक नागरिक रूपिन कात्याल की उस वक्त हत्या उन्होंने होते हुए देख ली थी और उसके बाद सरकार किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से कतरा रही थी। जनता का दबाव जसवंत की फौजी सोच पर मजबूरी का लिबास पहन कर बैठ गया था। क्रिसमस के 24 दिसंबर को 1:40 का ये रेगुलर फ्लाइट का कार्यक्रम अपने तय समय पर शुरू हुआ, पर इंडियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट काठमांडू नेपाल से दिल्ली की उड़ान पर थी। रास्ते में हथियार बंद 5 लोगों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण को विमान की स्पीड 40% कम करनी पड़ी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 100 बाद विमान हाईजैकिंग की सूचना मिली। ये एक बहुत बड़ी खाई थी संदेश के तय व्यक्ति तक पहुंचने में, जब किसी प्रधानमंत्री को इतनी देर से सूचना मिली। सरकार को 4:40 पर यह सूचना मिली और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को 5:30 पर यह सूचना मिली। पंजाब सूबे के पुलिस के मुखिया सरबजीत सिंह ने CMG को प्रस्ताव दिया कि ट्रेंड कमांडोज तैयार हैं जो एयरक्राफ्ट पर कब्जा कर सकते हैं, पर NSG के कमांडोज को इस मिशन के लिए तैयार किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार के साथ विदेश मंत्री जसवंत सिंह, रो के तत्कालीन चीफ AS दौलत, NSG के चीफ निखिल कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री शरद यादव, अरुण शौरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र और सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के बीच एक अहम बैठक हुई। जसवंत सिंह के मशवरे से आदेश निकला और NSG को हुक्मरानों से हुक्म मिला कि वो 6:25 पर अमृतसर के लिए रवाना हो जाएं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को इसमें 45 का ज़्यादा वक्त लगा और CMG के फाइनल ऑर्डर के बाद 7:55 पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स अमृतसर के लिए रवाना हो पाए, लेकिन देर हो गई। ये उन हालातों के अनुसार 100 की देरी से भी ज़्यादा मालूम हुई। फ्लाइट कैप्टन देवी शरण संगीनों के साय में थे। उन्होंने फ्यूल रिफिलिंग के बहाने काफ़ी वक्त देश के हुक्मरानों और फोर्सेस को मुहैया करवा दिया था, लेकिन आतंकवादी समझ चुके थे कि फ्यूल भरने के बहाने अमृतसर में हुई देरी उनकी
मौत का फरमान हो सकती है और फ्लाइट को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने का फैसला देवी शरण पर थोप दिया गया। देवी शरण के पास भी कोई उपाय नहीं बचा था, पर अब तमाम जिम्मेदारी जसवंत सिंह पर आ गई थी। उन्हें अब देश के बाहर निकल चुकी बात को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों से अपने देश के पाले में लाना था। वो संकट मोचक कहलाते थे। अटल बिहारी कह चुके थे कि किसी भी हालत में वो हाईजैकिंग के पीछे छुपे मंसूबों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जसवंत सिंह जसोल सेना के मेजर रहे थे। उन्हें हालात के नाजुक होने के तमाम एहसास थे। उन्हें पता था कि होस्टेज किए गए लोगों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो उस मजबूर इंसान की हैसियत से सोच रहे थे जो देश का विदेश मंत्री भी था। उन दिनों जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री थे, उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए माकूल नहीं माना जा रहा था। ये बस एक सियासी झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं था। वो बीजेपी में लोगों की अतिवादी सोच का दंश झेल रहे थे। ऐसे में फर्नांडिस के हिस्से का काम भी जसवंत सिंह जसोल पर अप्रत्यक्ष ढंग से आ गया था। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी और रेत के बीच पला बाड़मेर का मेजर अब देश का नुमाइंदा था। जसवंत सिंह फिर भी एक फौजी की हैसियत से नहीं सोच सकते थे। उन्हें विदेश मंत्री की तरह सोचना पड़ रहा था, क्योंकि अब वो ओहदे के हिसाब से सोचना लाजमी था। जसवंत सिंह ने पाकिस्तान पहुंचे विमान आईसी 814 के हाईजैकर्स और पाकिस्तान के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल खोला, जिसमें उन्होंने हाईजैकर्स को कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए मना लिया और साथ ही पाकिस्तान की सरकार को भी सभी छोड़े गए लोगों को सुरक्षित लाहौर पहुंचाने के लिए मना लिया। जसवंत सिंह जानते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेनाओं को अपनी जमीन पर कार्यवाही नहीं करने देगा। ऐसे में उन्हें अपनी डिप्लोमेसी पर ही निर्भर रहना था और ये कोशिश रंग लाई। रूपिन कात्याल, जिनकी आतंकी प्लेन में हत्या कर चुके थे, उनके शव के साथ 26 लोगों को रिहा करवाने में जसवंत कामयाब रहे, लेकिन अभी भी अंदर लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। जसवंत ने 70 लोगों की रिहाई की बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन 26 लोगों को ही इस दरमियान छोड़ा गया। लेकिन उन हालातों में ये एक विदेश मंत्री की कामयाबी थी कि शून्य संभावना में उन्होंने 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जसवंत सिंह ने यूनाइटेड अरब अमीरात से गुजारिश भी की कि उनके कमांडो विमान पर सीधी कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा करने से यूएई ने साफ इनकार कर दिया। जसवंत कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन विमान दूसरे मुल्कों की जमीनें बदल रहा था, वो भारतीय जमीन पर नहीं था। आज जिस फ्लाइट में जसवंत सिंह कंधार के लिए निकले थे, उसमें वो सबसे ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब IC-814 तालिबान की जमीन पर था। उन्हें अब तालिबान जैसे आतंकी संगठन से बात करनी थी, जो अंधेरे में सुई खोजने जैसा था। जसवंत अब भी अडिग थे, पर उनकी मजबूरी को समझ पाना उस समय के हिसाब से बेहद पेचीदा था। इस वक्त तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 5 हाईजैकर्स की पहचान कर ली थी। वो हरकत उल मुजाहिदीन संगठन के उग्रवादी थे और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI का पूरा सहयोग उनको मिल रहा। जसवंत सिंह अपनी कोशिश तेज करने लगे, पर यह नामुमकिन काम था। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारी सरकार इस तरह के आतंक के सामने नहीं झुकेगी, और जसवंत के साधे जा रहे प्रयास शिथिल हो गए। पर जसवंत सिंह रुके नहीं। इस पर भड़के मिलिटेंट्स ने $200 मिलियन के साथ वो मांग लिया जो भारत के लिए देना मुमकिन नहीं था। वो था मौलाना मसूद अजहर। 3500 आतंकी मांगे गए थे। बदला अब निरीह लोगों की जान से कर लिया गया था। एक मुल्क मजबूर था। वाजपेयी को झुकना पड़ा, लेकिन जसवंत सिंह का फौजी मन अब भी प्रयास करना चाहता था। जसवंत सिंह ने तालिबान को यह हौसला दिया कि वो भारत के साथ मध्यस्थता के मंच पर आएंगे तो उनकी पहचान बनेगी। विदेश मंत्री को भरे मन से कहना पड़ा, पर उन पर अपने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी। तालिबान ने जसवंत की चाल में खुद को झोंक दिया और 36 से घटकर रिहा किए जाने वाले आतंकवादियों की संख्या वो सिर्फ 3 पर लाने में कामयाब रहे, और उनकी तरफ से काम खुद तालिबान ने किया। $200 मिलियन की जो रकम थी, उसे भी उस वक्त घटा दिया गया। हालांकि भारत के सीने पर लगा ये जख्म
नासूर होने से पहले ही जसवंत सिंह जसोल ने भर दिया। अकेले जसवंत ही क्रेडिट पार्ट नहीं है, तमाम लोग जो उस वक्त उनके साथ थे वो भी हकदार हैं। लेकिन जसवंत सिंह ने मजबूर होकर भी इस लड़ाई को 70% तक अपने देश के लिए जीता। वक्त बीतता गया और वाजपेयी के सिपहसालार पर जुल्मत हुई। हर इंसान जब अपने फख्र को हारता है तो वही उसकी हार असल मायनों में होती है। 2014 आया, 10 बरस का बीजेपी का वनवास पार्टी को सत्ता की तरफ ले आया, लेकिन यहीं से असल में जसवंत सिंह को बागियों की तरह इतिहास में दर्ज होना था, रुसवा होना था। उनकी वफादारी को एक झटके में आजमाया गया। राजपूतों की वफादारी इससे पहले इस तरह आजमाई नहीं गई थी। ठिकाने का ठाकुर अपनी ठकुराई पर इतराता था, पर बीजेपी ने उसके बुजुर्ग होने की सजा उसे देने का ऐलान कर दिया। ऐसा मुरली मनोहर और आडवाणी के साथ भी हुआ। बीजेपी पर यह इल्जाम कहा जाएगा कि वो अपने लोगों की बेकदरी करती है, शायद कांग्रेस से थोड़ी ज्यादा। खैर, सियासी घटना से आगे की कहानी ही जसवंत सिंह की कहानी है। असल कहानी है 2014 का मई का वो महीना। बाड़मेर का उबलता हुआ मई का महीना तप कर लाल हो गया था। 2 बजे दोपहर को रेत पर सिकी हुई एक खबर आई कि बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी जसवंत सिंह को हराकर सांसद बन गए हैं। बीजेपी ने कर्नल के हाथों मेजर जसवंत सिंह को हराया। वो जसवंत सिंह जो बीजेपी में कर्नल सोनाराम से कहीं ज्यादा सच्चे सिपाही थे। कर्नल सोनाराम इतरा रहे थे कि उन्होंने एनडीए और भाजपा के वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे वाजपेयी के सबसे बड़े सिपाही को जसवंत सिंह को हरा दिया, जो खुद ही भाजपा था। बीजेपी जसवंत सिंह का मान और मन दोनों ना रख पाने की दोषी बनते। जीत का जश्न अपने ही सिपाही की सियासी मौत का जश्न था, ये मातम क्यों नहीं कहा गया? भाजपा के जसवंत सिंह बागी चुनाव लड़े थे क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनको टिकट नहीं दिया गया था। वे जसवंत सिंह जो 1966 में बीजेपी की गेरुआ फौज में दाखिल हुए थे, बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें एंट्री दी थी। वो भैरव सिंह शेखावत के बेहद खास बनकर उभरे थे। भैरव सिंह अपने पूर्वाग्रह के निर्णय के पक्के माने जाते थे। 1980 में भाजपा का सबसे ज्यादा मजबूत अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता, जिसकी अंग्रेजी अंग्रेजों को भी कोफ्त करवा देती थी, जसवंत सिंह जसोल राज्यसभा सांसद बने। वाजपेयी ने उनकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं किया था, क्योंकि राजस्थान के भैरव बाबा की क्लास से निकल कर आया ये विद्यार्थी सारे सोपान पास करके उन तक पहुंचा था। 1998 में अटल जी ने अटल रहकर भारत का परमाणु परीक्षण करवा डाला और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे और वाजपेयी के संकट मोचक बने जसवंत सिंह। हर सवाल का एक ही जवाब हो गया था, जसवंत सिंह जसोल। जसोल कोई जाति नहीं है, बल्कि ये जसवंत सिंह के बाड़मेर का वो गांव है जहां की मिट्टी में जसवंत की ड्योढ़ी है। जसवंत सिंह शायद ये चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ते, पर बीजेपी की महान गलती पर उनका गुस्सा लाजमी भी था। कर्नल सोनाराम बीजेपी में नए नवेले शामिल हुए थे, उनके सामने जसवंत सिंह का स्वर्णिम इतिहास रौंदना राजपूतों को नागवार गुजरा। बागी कोई यूं ही नहीं होता, उसके अपने सबब होते हैं। भैरव सिंह और जसवंत के साझा आशीर्वाद से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे ने एक वक्त पर आकर ना भैरव बाबा को तवज्जो दी, न ही जसवंत सिंह को। वो अपने सियासी रसूख में मतांध भूली की स्तंभों को गिराना ठीक नहीं, लेकिन ये भी सत्ता की एक निर्दयी हकीकत है। राजनीतिक संरक्षक भैरव सिंह की उपेक्षा जसवंत के सीने में शूल की तरह चुभी और अदावत हुई। वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह आमने सामने हो गए। वसुंधरा के प्रयास की आरी ने एक बुजुर्ग पेड़ काट दिया। जसवंत सिंह की आखिरी राजनीतिक पार्टी टिकट वसुंधरा ने उनसे छीन ली। इल्जाम तो यही है, जसवंत सिंह की पत्नी शीतल के अंदर की शत्राणी ने उन्हें अपने नाम के विमुख एक काम करवा डाला। ये कांड नहीं कहा जा सकता, बागी अक्सर नपे तुले नहीं होते। शीतल कंवर ने वसुंधरा राजे को राजपूताना में देवी की तरह पूजे जाने के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को मलिन करने का एक केस दर्ज करवा दिया, बदला लिया गया। जसोल में राजपूतों की मनुहार का एक कार्यक्रम रखा गया। ये जसवंत के घर हुआ एक जलसा था, ये रियाण के रूप में आयोजित हुआ। रियाण
पुरानी परंपरा है जो नए जमाने के कानून का उल्लंघन करने वाली प्रथा है, जिसमें मनुहार में लोगों को प्रतिबंधित अफीम और दूसरे तरीके के नशे आदर के साथ परोसे जाते हैं। वसुंधरा राजे के इशारे पर ये केस दर्ज हुआ और बगावत का बवंडर और भूरा हो गया। दबंगई को गलत तरीके से पेश करने का जमाना है, लेकिन जसवंत सकारात्मक रूप वाले दबंग राजपूत नेता रहे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करके आरएसएस के हिंदू एजेंडा के सामने खड़े होने का दुस्साहस भी किया था। पार्टी से निष्कासित हुए पर वो मन के मलंग रहे। 2001 के संसद पर आतंकी हमले के खिलाफ भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को उन्होंने रुकवाया। वो मानते थे कि मसलों का हल शांति में है, न कि युद्ध में। उन्होंने मुनाबाव और खोखरापार के बीच थार एक्सप्रेस चलवाकर ये साबित करने की कोशिश की कि शांति के कदम अहम होते हैं, हालांकि इसमें वो गलत साबित हुए। शांति का हर समर्थक पाकिस्तान के आगे धत्ता ही तो साबित हुआ है, ये नया नहीं है। नेहरू के साथ सरदार पटेल को भी उन्होंने पार्टीशन का दोषी कहा, आलोचना होनी थी हुई। जसवंत सिंह विजनरी होने के बावजूद ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने सिद्धांतों से बनते थे, उनकी तालीम कभी जरूरतों से प्रभावित नहीं हुई। मेयो कॉलेज के इस विद्यार्थी को हर चीज़ की गहरी समझ थी, वो अंग्रेजी का जानकार था, लेकिन उसे रेगिस्तान की धूल के बीच अभावों की ज़िंदगी बसर करने वाले हर मामूली आदमी की जबान भी आती थी। हर कोई उसे चाहता था, क्योंकि बालू की गर्मी के बीच वो गोरे रंग का जवान हर रंग के इंसान के विश्वास की बाँह थामता था। वो आदमी जिसने कहने और करने की जुर्रत की, जो कह गया बिना सोचे कि असर क्या होगा, बस उसके मन पर क्या असर पड़ता है वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। जिसने कहा था, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सिजेरियन प्रसव की तीन संतानें हैं। मई के नतीजे के बाद उसने अपना दिमाग फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो 7 अगस्त 2014 से कोमा में था। उसका दिमाग बीजेपी को 6 साल तक अपनी सेवाएं नहीं दे सका, जिसके मस्तिष्क की कंदराएं अपने अंदर की अपनी उपेक्षा को समेट कर चुप हो गई। बागियों को दिल से लगाने वाले लोग उनके अंदर की मासूमियत के साक्षी जरूर बनते हैं, पर ये अवसर लोग स्वार्थों के बीच यूं ही जाने देते। जसवंत सिंह पर न जाने आज किसने कहा, पर उनकी ही मायड़ भाषा में कहा, घोर घाटियां गिरवरा थिरकी कर हिकंत, कथ्यो न जावे कामणी सुरग गया जसवंत। जसवंत जा चुके हैं, पर महीन से महीन बात पर याद आ जाने के विश्वास को सौंप कर जसवंत को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आम आदमी के नेता थे। शुक्रिया राजस्थान आने के लिए, शुक्रिया हिंदुस्तान में होने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।